दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप सुना देता हूँ। चलिए वो क्लिप सुनते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत का। कि इरेज कर दिया। 10 साल तक मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, अब करने जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे जाऊंगा, अब आऊंगा, आना पड़ेगा। तो ये था वो क्लिप। तो चले हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल टॉप वर्ल्ड न्यूज़ पर। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत को कौन नहीं जानता, इनको सभी जानते हैं। तो दोस्तों, टीवी पर्सनालिटी, रिलीजियस स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हम फैसल अजीज़ खान का सॉरी फैसल जावेद खान का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो ट्वीट, डॉक्टर आमिर लियाकत टू अनाउंस ज्वाइनिंग पीटीआई एट अ कॉन्फ्रेंस ऑन 25 अक्टूबर 2017। फैसल जावेद खान का ये ट्वीट है जो मैंने आपको ये दिखाया अभी। और पीटीआई के कराची के लीडर इमरान इस्माइल ने भी इस बात को कंफर्म कर लिया है अपने फेसबुक पेज पर। तो ये आमिर लियाकत ने अपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से राहें जुदा की थी जब इनको गिरफ्तार करके रेंजर्स हेडक्वार्टर ले जाया गया था। लेकिन वो कुछ रहनुमाओं के साथ मुत्तहिदा के खड़े रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने मीडिया में जाकर कह दिया था कि मैं अब तंग आ चुका हूँ, तो मैं सियासत से खुदा हाफिज़ कर रहा हूँ, सियासत को अब बाय कह रहा हूँ, सियासत में अब कभी भी नहीं आऊँगा। उसके बाद से वो एक चैनल में, बोल टीवी चैनल में होस्टिंग करने लगे। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। फिर गेम शो पे भी उन्होंने यही किया। तो वो गेम शो करते करते उन्होंने गेम शो छोड़ दिया, वो सिर्फ बोल शो कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। और अब वो पाक न्यूज़ चैनल पर आ गए हैं एक न्यू गेम शो के साथ। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि आमिर लियाकत की पॉलिसीज़ क्या होती हैं पीटीआई ज्वाइन करने के बाद। वो किन तरहों से महाजरों के लिए काम करते हैं, या वो किस तरह से कराची के अच्छे के लिए काम करते हैं। उनका तो कहना यही है कि वो अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते, लेकिन वो जाना पड़ रहा है उन्हें महाजरों के लिए। उनका ऐसा ख्याल है, उनका ऐसा कहना है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। क्या इसको तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा इसके डिसीजन के बाद, या नुकसान? तो दोस्तों, वो अब हमें देखते देखते पता लगेगा कि आमिर लियाकत के आने से इस पार्टी को कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आपको मैं ऐसी ही वीडियोज़ के अपडेट्स देता रहूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।